जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञान सो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो यह मोटिव नंबर 10वां होगा। यह प्रैक्टिस सेट सभी गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि सारे कंपिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में पूरे के पूरे हम 30 के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए आगे सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन, प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए आप सभी, इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्डमाला में जो अल्फाबेट जो वर्ड है बाईं ओर से 20वां, यानी कि बाएं से कौन सा नंबर हो 20वां, और 20वें के दाएं ओर, बाएं नहीं दाएं, 20वें के दाएं कौन सा 5वां। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब किसी के बाएं से दाएं जाए तो आपस में नंबर क्या हो जाए, ऐड हो जाते हैं। अगर वही बाएं से और फिर 20वें के बाएं जाए, मान लो अगर बाएं जाए और फिर बाएं जाए, यानी कि अगर दो बार बाएं बाएं जाए तो माइनस होता है, लेकिन अगर बाएं आए दाएं या दाएं या बाएं आए तो आपस में ऐड हो जाएंगे। यानी कि 20 + 5 कितना हुआ 25, 20 + 5 = 25 कितना 25, 25 किसका मान था y का, 25 प्लस वैल्यू किसका होती है y की। नेक्स्ट लिखा है कि कुछ चाबियां नाव हैं, चाबी को हम c से लिखते हैं, कुछ चाबी का हो गई नाव हो गई, नाव को n से, कुछ चाबी नाव हो गई, कुछ नाव पाइप हो गई, कुछ नाव का हो गई पाइप, पाइप मतलब p, ओके, और कुछ नाव पाइप हो गई। और कथन तीसरा क्या है कि सभी पाइप मछली है, जो सभी पाइप क्या हो गई मछली हो गई, सभी पाइप मछली है, मछली मतलब एम से, ओके। अब निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ मछली नाव है, या कुछ मछली नाव है, नाव वाला जो पोर्ट ये नाला पोर्ट है, तो कुछ मछली नाव कवर कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, तो सम वाला किसका जो फॉलो हो जाएगा। कह रहा है कुछ पाइप नाव है, ये पाइप है ऊपर नाव है, सारे के पाइप क्या है कुछ पाइप नाव है, तो देखिए ये वाला जो इतना बाउंड्री किसकी हुई नाव की हुई, ये वाला बाउंड्री किसकी पाइप हुई, तो अरे ये वाला कॉमन पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाला कॉमन पॉइंट मिल रहा है पाइप और नाव की, तो क्या होगा बिल्कुल होंगे। कह रहा कुछ नाव चाबियां हैं, कुछ नाव चाबियां हैं, ये नाव नाव यहाँ पर होगी चाबी यहाँ पे, इनका ये कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो कुछ नाव क्या ये भी चाबी हो गई। कह रहा कि कुछ मछली चाबियां हैं, कुछ मछली मछली यहाँ हुई और चाबी यहाँ हुई, इसको देखिए आप, जो मछली का ये बाउंड्री हुई, मछली की ये बाउंड्री हुई, ये सारी बाउंड्री मछली की हुई और चाबी की ये बाउंड्री हुई, मछली और चाबी की बाउंड्री में कोई क्रॉस नहीं है, यानी कि ये चीज नहीं होगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा क्या फॉलो होगा और चौथा फॉलो नहीं होगा, ओके ओके। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कथन और निष्कर्ष है, कह रहा कि अजैविक निष्करणीय प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पाइप हुआ पशु जीवन में जीवन जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग से, ठीक ना। अब निष्कर्ष कह रहा है कि यदि अजैविकरणीय प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा, मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा, कि इस स्टेटमेंट से क्या यह कैलकुलेशन सत्य है? नहीं, क्यों? कह रहा कि अगर प्रतिबंध लगा देंगे तो मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो क्या मानवता विलुप्त हो जा रही है, क्या मानव प्राणी क्या गायब हो जाएंगे अगर वो चलेगी? ऐसा नहीं है ना, यानी कि ये चीज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड क्या है, प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक है ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग से काफी ढेर सारी हानि होती है, तो पड़ेगा ना, यानी इस निष्कर्ष से यह निष्कर्ष क्या हुआ, इस कथन से यह निष्कर्ष क्या गलत हो गया, यानी कि बोथ रॉन्ग, पहला और दूसरा क्या दोनों रॉन्ग हो गए, यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा पाना चाहता, यानी ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे, यानी कि चार विकल्प दिए, तीन तो किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है, उसी को निकालना है। कह रहा पिच बाउंड्री और ग्राउंड, जो पिच बाउंड्री ग्राउंड है एक मैदान संबंधित है, लेकिन अंपायर का एक
थोड़ा डिफरेंट हो गया, एम्पायर मतलब थोड़ा मैच हो गया, रस हो गया ना। यानी पिच बाउंड्री ग्राउंड एक मतलब जमीन में बनाए जाते हैं, एम्पायर एक थोड़ा अलग हो गया, यानी डिफरेंट का ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करना का भविष्य से संबंधित है तो याद करना का सजेशन क्या होगा। इसमें आप सभी देखिए, अगर भविष्यवाणी करना, क्या भविष्यवाणी करना, एक भविष्य की बात कर रहा है यानी कि फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में, याद करना, याद कौन, याद क्या किया जाता है, जो चीज़ बीत गई है, जो चीज़ बीत गई है उसी को याद किया जाएगा, या फिर जो चीज़ बीत गया उसी को ना, तो क्या हो जाएगा भूत का। यानी कि भविष्यवाणी करना फ्यूचर की बात हो गई, और याद करना एक पास्ट टेंस की बात हो गई यानी कि भूतकाल हो गई। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तक लिखना, जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध लिखना से है तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध लिखना से हुआ तो क्रिकेट का संबंध किससे हुआ। पुस्तक क्या हुई, लिखी या पढ़ी जाती है। क्रिकेट क्या होता है, मैच खेलना, स्कोर और आनंद लेना। मैच क्या, खेला जाता है, मैच खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। वृंदावन गार्डन्स क्या मैसूर में है, लोधी गार्डन क्या दिल्ली में है, ईडन गार्डन क्या कोलकाता में है, हैंगे गार्डन क्या मुंबई में। देखिए जो ईडन गार्डन क्या है, एक कोलकाता में है, बाकी ये सब नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहेगा दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा कि नीचे देखिए चार युगों में तीन तो समान है, एक डिफरेंट है, उसी को निकालना है। पीके ये आपस में क्या है, अपोजिट है, ये आपस में क्या है, अपोजिट मान है। वाई बी ये भी क्या, अपोजिट मान है। और टी जे ये भी अपोजिट मान है। ये जो ऑप्शन नंबर सी क्या है, जे एच अपोजिट नहीं है। जे का अपोजिट क्या होगा, जे का अपोजिट क्या होगा, जे का अपोजिट होगा ओ पी होगा, नहीं पी नहीं क्यों होगा, जे का अपोजिट क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि जे आता है 10 पे और क्यों आता है 17 पे। अपोजिट किसी दो अपोजिट वैल्यू का मान कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। जे आएगा 10 पे, एच आएगा 8 पे, कितना हुआ 18 हुआ। तो डिफरेंस कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी जे एच क्या हुआ, एक थोड़ा अलग हो गया और सारे क्या एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट कह रहा है इस पैटर्न को फॉलो करिए, ये क्वेश्चन मार्क है ना भाई उसको बताइए। अब जे की प्लस वैल्यू क्या होती है, जे की प्लस वैल्यू क्या होती है 10 होती है, ई की क्या, एफ क्या होती है 6 होती है, और डी की 4, 6 4 10 हो गया, डी की 4, ई की 5, 5 4 9, इससे क्या आएगा ए आएगा। ए क्या होता है, एक होता है, जैसे ए का 1, ई का 5 और सी का 3 और ए का 1, 5 6 4 10। यानी कि जो ये रॉ है ना, जो ये रॉ है सबका योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि डी का 4 हो गया, ई का 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, बचा एक, एक किसका होगा, ए का होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब इसको बताइए कि यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, एल से डी हुआ है तो डी से क्या होगा, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्यों, फिर एच, फिर ई। देखिए एल से डी माइनस का 8 हुआ, माइनस का 8 हुआ, यहाँ देखिए आप ई से सी माइनस का 2 और सी से एल प्लस का 9, फिर एल से डी माइनस का 8, इधर क्या हुआ माइनस का 8 हुआ है, माइनस का 9 हुआ था, इधर माइनस का 8, इधर का हमें माइनस का 7 होगा। जब माइनस का 7 आएगा तो क्या होगा, जब डी जब माइनस 7 आएंगे तो टोटल वर्ड होते हैं 26, टोटल वर्ड होते हैं 26। तो अगर डी की बात करें तो डी किसे आएगा, 30 पे आएगा, क्यों, डी का मान 4 होता है ना, तो माइनस 7 जाना है तो क्या आएगा 23 आएगा। 23 किसका प्लस होता है, डब्लू का होता है, यानी क्या आएगा डब्लू आएगा, क्या आएगा डब्लू आएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ, देखिए आप ए से जेड तक लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 बस क्या आएगा 27, फिर क्या आएगा 28, फिर क्या आएगा 29, फिर क्या आएगा 30। ओके यहाँ तक हुआ। अब इसके आगे आप देखिए 30 हुआ ना, इसके आगे देखिए आप 26 में क्या आता है जेड, 26 में आता है जेड ना। अब जेड के बाद जब जेड पूरा हो गया तो फिर सर्किल कहाँ से घूमेंगे, ए से घूमेगा, यानी 27 पे आएगा फिर ए, 28 पे आएगा बी, 29 पे आएगा सी, और डी किस पे आएगा 30 पे। ओके समझ में आया। तो कह रहा कि इधर माइनस का 8 हुआ है, फिर इधर यानी कि एल से डी माइनस के 8, फिर क्या होगा माइनस का 7 होगा। तो जब
30 में से माइनस 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, कितना बचेगा 23, 23 किसका पहले सॉल्व होती है, डी का, यानी क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। ओके ओके आगे, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से ए बी का अर्थ है ए की माता है, यानी ए बी की माता है, और माइनस का मतलब क्या हुआ, ए जो है बी की माता है, यह चार्ट उपयोग करिए और करते हुए इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ आ सकने वाले विकल्प का चयन कीजिए, यदि उल्लेखित व्यक्ति में ए एक दो तीन और चार के यहाँ पुरुष हैं, यानी एक दो तीन चार के यहाँ पुरुष हैं, तो ग्राफ फादर पिता सन बेटा ब्रदर भाई नेफी और भतीजा क्या आएगा यहाँ पे, देखिए आप ये एक दो तीन चार क्या हो गए, यानी कि पुरुष हुए, यानी कि लड़का हो या मनुष्य हो, मतलब तुम्हें पुरुष आएगा लेडीज नहीं आएगी ना, तो यहाँ ग्राफ में क्या आना चाहिए, अगर ग्राफ में अगर फादर ले लेते हैं, ग्राफ में अगर यहाँ फादर ले लेते हैं तो सन से फादर, फादर से नेफ्यू, नेफ्यू से फिर फादर, फिर क्या मदर, यहाँ पर क्या आएगा फादर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर दादा लेते हैं तो फिगर कंप्लीट नहीं होगा, यानी सन से दादा नहीं आएगा, बेटा से पिता, बेटा से पिता, अब पिता है ना, बेटा से पिता हो गया, और बेटा से इधर भाई हो गया, और फिर बेटा इधर फिर पिता हो गया, फिर इधर नेफ्यू मतलब भतीजा हो गया। ओके आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पांच छात्र हैं ए बी सी डी और ई, स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं, सी जो है डी के पीछे है, जो सी है ना इसके पीछे है, डी के पीछे है, ई बी के, ई जो है बी के पीछे नहीं खड़ा है, कह रहा है कि ई जो है बी के पीछे नहीं खड़ा है, और ए सी के आगे खड़ा है, ए किसे आगे खड़ा, सी के आगे खड़ा है, ये खड़ा हो गया। ओके अब कह रहा है कि यदि यदि पीछे का अर्थ किसी भी पीठ के ठीक पीछे ना होना और आगे का अर्थ किसी ठीक के आगे ना होना, तो पांच छात्र हुए, तीन तो हमने अरेंज कर लिए। अब कह रहे जो अब यहाँ पे आइए, कह रहा है ई जो है बी के पीछे नहीं है, ई जो है बी के पीछे नहीं है, तो ई कहाँ होगा, आगे होगा ना, अगर पीछे नहीं होगा तो आगे होगा, थोड़ा इधर लिखते हैं, यहाँ पर क्या है ए डी सी इतना है ना, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब कह रहा है कि ई जो है बी के पीछे नहीं है, तो ई कहाँ होगा, आगे होगा, फिर यहाँ बी आएगा, अगर पीछे नहीं होगा तो आगे होगा ना। अब पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है, ए सी के आगे खड़ा, ए सी के आगे खड़ा हो गया, सी डी के पीछे है, सी डी के पीछे हो गया, और परंतु बी के आगे नहीं खड़ा है, कह रहा है कि ए सी के आगे खड़ा है, ए जो सी के आएगा, लेकिन कह रहा है कि बी के आगे नहीं खड़ा है, तो बी के ए तो पीछे हो गया ना, पेरेंट्स क्या सेट हो गया। अब कह रहा है कि पांच छात्रों में कौन तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान कौन है, ए है, कौन है, ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तीसरे स्थान कौन सा है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आप बताइए, इसमें बताइए कि क्वेश्चन यहाँ क्या आ गया, बताइए आप सुन, देखिए इसमें है ना, कह रहा है ए जो है बराबर ए स्क्वायर हो गया, बी जो है बी स्क्वायर हो गया, यानी बी बी क्यूब हो गया, और सी सी की पावर फोर हो गया, तो अगर इसमें अगर बारीकी से हम देखना चाहें, ए के ऊपर कितने सर्किल हैं, एक सर्किल है, ए का कह दिया स्क्वायर कर दिया, अब बी पे आइए, बी के ऊपर कितने सर्किल हैं, दो, तो बी का क्यूब कर दिया, यानी कि जितने सर्किल है ना एक एक्स्ट्रा करके स्क्वायर कर दिया, अब सी के ऊपर कितने सर्किल हैं, तीन, तो सी की पावर फोर कर दिया, सेम उसी प्रकार से तीन के ऊपर कितने सर्किल हैं, दो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्री की पावर क्यूब लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा करके, और दो के ऊपर कितने सर्किल हैं, एक दो तीन चार हैं, चार सर्किल हैं, यहाँ पर दो की पावर पांच लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा, और चार के ऊपर एक दो तीन, चार के ऊपर तीन सर्किल हैं, यहाँ कहेंगे चार की पावर चार लिखेंगे। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, देखिए आप तीन का क्यूब क्या हो गया, सत्ताईस, दो की पावर पाँच का, यानी कि दो का फाइव क्यूब कितना हुआ, बत्तीस हुआ, और चार की पावर चार क्या हुआ, 256 हुआ, तो जोड़िए आप, अब इनको क्या करना, ऐड कर दीजिए, सात दो नौ, और नौ छः पंद्रह के पाँच, हासिल आया एक, पाँच एक छः तीन नौ दो ग्यारह, हासिल बचा एक, दो एक तीन, कितना आया, 315 आया।
ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। 27, 32 और 256 का मान कितना हुआ, 315 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक्स की इकलौती बेटी हूँ, कह रहा है कि मैं एक्स की इकलौती बेटी हूँ, मैं एक्स की इकलौती बेटी हूँ और वाई मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है। यहाँ देखिए आप कह रहा मैं एक्स की इकलौती बेटी हूँ, ये कोई एक्स हुआ, इनकी बेटी ये हुई, कौन है ये पता नहीं। कह रहा वाई जो है मेरे पति, वाई मेरे पति यानी कि प्लस प्लस मतलब ये दोनों क्या हो गए, मियाँ बीवी हो गए। यानी क्या अगर ये मेल हुई, अगर ये फीमेल हुई तो वाई क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। यानी कि वाई क्या मेरे पति, यानी वाई क्या हो गया, पति हो गया। ओके वाई मेरे पति जेड की बहन, इकलौती बेटी है। वाई जो है मेरे पति की, कह रहा कि वाई मेरे पति जेड की बहन, जेड की बहन इकलौती बेटी है। क्या कह रहा है कि यक्स, ओके कह रहा वाई मेरे पति जेड की बहन, वाई जो है मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है, जेड की बहन इधर जेड हुई, इसकी बहन क्या हुई, इकलौती बेटी कौन ये आ गई। ओके डी वाई का नाना है, डी जो है वाई का नाना है, तो ये पिता हुए, अगर इनके पिता क्या हुए डी हुए, ए प्लस हुए, यानी कि डी ए वाई के क्या हुए नाना हो गए। ओके कह रहा कि मैं तो मेरा डी से क्या संबंध है, एंड इनका इसका ये क्या पति हुआ, क्या हुआ कह रहा कि मेरा डी से क्या संबंध है, डी इधर हुआ, ये उनकी क्या हुई लड़के हुए, तो क्या आएगी बहू आएगी, क्या आएगी बहू आएगी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगी डॉटर यानी बहू है ना, बहू आएगी। नेक्स्ट कह रहा कि वर्गों को आयत संख्या ज्ञात कीजिए, मैं जो है वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए आप 1, 2, 3 और 4, चार तो यहाँ से हो गए, चार यहाँ से हो गए, चार यहाँ से हुए, एक पूरा ये 5, फिर यहाँ से 1, 6 यानी पूरा ये 6 और फिर यहाँ से ये 7 और फिर यहाँ से ये 8, क्या हुए 8, 8 तो यहाँ से आ गए। जब 8 आधे पर से आए तो आधे भी कितने होंगे 8 होंगे, तो 8 कितने हो गए 16 हो गए, 8 कितने हो गए 16, जब 8 आधे पर से आए तो बाकी होंगे 8, तो 8 कितने हो गए 16 हो गए। आगे देखिए इन दोनों से मिला के ये 17वां हो जाएगा, उसी प्रकार से ये 18वां हो जाएगा, ये 19वां हो जाएगा और ये 20वां हो जाएगा, हो गया 20वां। और लास्ट में फाइनली लास्ट में क्या बनेगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा 21वां हो जाएगा। ओके और देखिए आप 21 तो हो गए, सबसे बड़ा क्यों मिला गया 21 हो गए। अब आगे यहाँ से ये दोनों मिला के 22, फिर यहाँ से दोनों मिला के 23, फिर यहाँ से मिला के 24 और फिर ये वाला ये 25 हुए ना, लास्ट में कौन सा बनेगा, 25 तो हो गए, अब एक और बनेगा कौन, ये वाले 26, कितने आएंगे टोटल 26 आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि दिया गया आकृत में त्रिभुज संख्या निकालिए, निकालिए आप, पहला
फिर यहाँ से दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा, ये चौथा, चार हो गए। फिर यहाँ से ये पांचवा, ओके पांच तो यहाँ से हो गया ना। अब और देखिए आप, यहाँ से ये छठा, और यहाँ से ये सातवां, फिर पूरा बड़ा इसमें ले लें आठवां, कितने हुए, आठ हुए। और देखिए आप, आठ तो निकल आए, बाकी के बाकी यहाँ से देखिए नवा हो गया, नौ हुए। फिर यहाँ से ये कितने हुए, दस, कितना हुआ, दस हुआ। और एक आप देखिए, और जो है ये किए सबसे बड़ा वाला, ये चीज कितना हुए, ग्यारह हुए। आगे कह रहा कि देगी आकार में कितने त्रिभुज हैं, देगी आकार में कितने त्रिभुज हैं, तो कितने होंगे, एक तो ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार हो गए, पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर ये आठवां, और ये नवा, और ये दसवां। दस तो हमें सीधे सीधे निकल गए, ओके। अब इनमें मिक्स कौन से बने उनको ढूंढना है, दस तो हम डायरेक्टली निकाल ही दिए। आगे देखिए आप, आगे ये वाला यानी इससे से मिला के ग्यारह हो गए, सेम इससे और इससे मिला के कितना हो गया, बारह हो गए, बारह हो गया ना। और देखिए आप, बारह हुए। और जो है इधर ये वाला ऐसे ऐसे, फिर ऐसे कितने हुए, तेरह हुए, तेरह। और सेम अगर तेरह, और देखिए आप ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से बैंड है, ये वाला नहीं बनेगा, तेरह हुए ना। आगे देखिए आप, और कौन सा बनेगा मेरे भाई, हमने ये वाला लगता नहीं कि ना, ये वाला सुनो, अच्छा होता थोड़े दिन बने, चौथा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार पाँच से मिलकर क्या हुआ, 132 हुआ है, तो दो पाँच छः से मिलकर क्या होगा, इसको आप निकालिए। तो देखिए दो प्लस चार प्लस पाँच कितना हुआ, पाँच चार नौ तो कितना हुआ, ग्यारह हुआ। ग्यारह इंटू बारह कर देंगे, ग्यारह इंटू बारह कर देंगे तो 132 आएगा, आएगा ना, ग्यारह 132। उसी प्रकार से दो प्लस पाँच प्लस का छः कितना हुआ, छः पाँच ग्यारह दो तेरह हुआ। अब तेरह इंटू चौदह, चौदह धाम 140, और चौदह तिया 42, यानी दो चार चार आठ कितना हुआ, 182 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस डब्ल्यू आई टी सी एच का ये सब कोड दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से इसका कोड बताइए। देखिए एस का है, यानी कि देखिए एस का क्या दिया, दस, दस नहीं दिया, उल्टा दिया, क्रॉस। एस का 21, डब्ल्यू का 25, और आई का 11, और सी का 5, और टी का 22, और फिर एच का 10 दिया, यानी कि एस की प्लस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है। तो 19 प्लस 2 कितना हो गया, 21 हो गया। डब्ल्यू का 23, 23 प्लस 2 25, आई का 9, 9 प्लस 2 11, और टी का 20, 20 प्लस 2 22,
80 का 3, 3 प्लस 2 5 और H का 8, 8 प्लस 2 10 हो गया। उसी बात क्या W कितना होता है 23 होता है, तो 23 प्लस 2 कितना हुआ 25 हुआ। और C मिलना तो सीधे टिक कर देंगे, लेकिन और चेक कर लीजिए L का 12, 12 दो 14, E का 5, 5 दो 7, A का 1 प्लस 2 3, N का 14 प्लस 2 16, O का 15 प्लस 2 17, यानी ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें त्रिभुज निकालना, देखिए एक दो ये बनेगा नहीं बनेगा, ए रेक्टेंगल बनना ये नहीं बनेगा, यानी एक दो इधर थ्री थ्री हो गया, इधर फोर, इधर फाइव, फाइव इधर निकल गया है, ओके इधर सिक्स, ये वाला सेवन, एट, ये नाइन, ये वाला टेन, फिर ये अलेवन, अलेवन फिर ये ट्वेल्व, यानी कि बारह, बारह तो यहाँ तक हो गए, और बाकी, और बाकी ये वाला देखिए तेरह, तेरह बनना है ना, ओके बनना है, यानी यहाँ से यहाँ तेरह बनेगा, फिर ये चौदह, ये वाला पंद्रह, और ये वाला सोलह, सोलह हो गए, हाँ सोलह तो सीधे सीधे बन गए। अब बाकी अब थोड़ा मिक्स करके देखते हैं, अब देखिए कहाँ से कहाँ तक, अगर इस पॉइंट से लिया जाए सोलह तो हुए थे, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्या हो गया ये सत्रह हो गया, क्या हो गया ये सत्रह हो गया, आगे इसी में अगर यहाँ से यहाँ तक ले लिया जाए ये कितना हो गया अठारह हो गया, हो गया ना, और देखिए आप अट्ठारह तो बन गए, आगे देखिए आप अट्ठारह और बाकी ये वाला यहाँ से उन्नीस, सेम यहाँ से यहाँ तक बीस, फिर यहाँ से यहाँ तक इक्कीस, इक्कीस हुए, उसके आगे और देखिए आप ये चीज यहाँ से बाईस, बाईस हुए और आगे यहाँ से यहाँ तक तेईस, तेईस और जो है और एक दो बनेंगे कहाँ से, तेईस ही आ रहे हैं, बाकी तो आ नहीं रहे यार, लेकिन देख लेते हैं, अगर इसको देख लेंगे यहाँ से यहाँ पर ये चौबीस हुए, ठीक ये सबसे बड़ा वाला पच्चीस, यानी पच्चीस आ गया, यानी कि चौबीस से ज़्यादा आ गया, तो इसमें आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जब पच्चीस से जब ऑप्शन से ऊपर चले गए तो कितने बजे पच्चीस हो गया, तो क्या हो गया नन ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वार का दो लिखा है और बैड का थ्री लिखा है, तो एल ए एम बी करके लिखा वार, यानी कि डब्लू ए आर, डब्लू का मान तेईस, ए का वन, आर का अट्ठारह, तेईस अट्ठारह कितना हुआ तेईस एक चौबीस, चौबीस दस चौंतीस आठ बयालीस, कितना हुआ बयालीस, इसी बयालीस का क्या यहाँ यहाँ दो लिखा हुआ है। फिर बैड का देखिए आप बी ए टी, बी ए टी, बी की प्लस वैल्यू मान क्या होता है दो होता है, ए का वन होता है, टी का बीस, बीस इक्कीस दो तेईस कितना हुआ तेईस, वही तेईस का थ्री यहाँ लिखा हुआ है, सेम इसमें आइए
यल, यल कितने पे आता है 12 पे, ए प्लस का 1, एम प्लस का 13, बी प्लस का 2। ओके 12 एक 13, 13 दो 26, दो 28, कितना हुआ 28, तो 28 क्या रखेंगे 8, 28 का 8 यानी ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए इसे कौन सी आकृति पूरा करेगी, इसका कौन सा फिगर जो है इसको कंप्लीट करेगा। तो देखिए आप अगर इसको यहाँ से सीधे यहाँ तक लाएं, इसी को सीधे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लाएं, ओके फिर इसको यहाँ ले जाएं, फिर इसको यहाँ लाएं, ओके तो कौन सा बनना है, इसे फिगर किसमें बनना है, केवल ऑप्शन नंबर ए बनना, यानी ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई माउस पैड नहीं है, माउस को एम से लिख देते हैं, कह रहा कोई माउस क्या है पैड नहीं है, पैड को पी से, यानी कोई माउस पैड नहीं, इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ओके सभी पैड लेदर हैं, जो सारे पैड क्या हुए लेदर, लेदर को एल से। अब निष्कर्ष पढ़िए आप, देखिए कुछ लेदर पैड हैं, कुछ लेदर पैड हैं, कुछ लेदर पैड है ना, जब बाहर से अंदर की बात हो तो कुछ तो होंगे ही, यानी कि कुछ लेदर क्या हुए पैड होंगे, यस होंगे करेक्ट। कुछ लेदर माउस हैं, कुछ लेदर क्या माउस हैं, कुछ लेदर क्या माउस हैं, इनके बीच कोई रिलेशन बनना है, लेदर माउस बीच नहीं बनना है, कुछ लेदर माउस हैं इनके बीच रिलेशन नहीं बनना है, कुछ लेदर माउस हैं तो कुछ लेदर के बीच माउस बनना नहीं बनना, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट, कोई लेदर माउस नहीं है, कोई लेदर माउस नहीं है, फिलहाल अगर बन तो नहीं रहा है लेकिन रुकावट माउस की पैड से हुई है ना कि लेदर से हुई है, रुकावट माउस की पैड से हुई है ना कि लेदर से हुई है, तो लेदर का जो एरिया है ना माउस को कवर कर सकता है, क्योंकि इन दोनों की जो पॉजिटिव संडेस होते हैं तो इनको आपस में एम मिक्स होता है, यानी कि एक सिंगल बाउंड्री बन सकती है, यानी एक इसका गलत हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, कुछ लेदर माउस है और कोई लेदर माउस नहीं है, तो हो जाएगा फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट फॉलो हो जाएगा एंड सेकेंड एंड थर्ड में क्या हो जाएगा आइदर आर, सेकेंड थर्ड में क्या हो जाएगा आइदर आर, या तो दूसरा या तो तीसरा, है ना, फर्स्ट फॉलो हो जाएगा लेकिन पहला तो सही हो जाएगा लेकिन दूसरे और तीसरे में का आइदर आर केस लग जाएगा, यानी कि या तो दूसरा या तो तीसरा लगेगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कह रहा है कि एक में है एक में कह रहा नहीं है, तो या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, या तीसरा होगा दूसरा होगा, सेकेंड और थर्ड में क्या लगेगा आइदर आर लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रेशम कपास जूट, रेशम कपास जूट, एक कपास हुआ ये जूट हुआ, इनसे मिलके क्या बनता है रेशम बनता है, यानी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 15 हुआ, 15 से 98 हुआ, अगर हम 13 प्लस 15 जोड़ दें, 13 15 कितना हुआ 28 हुआ, अब 2 से भाग कर दें कितना आएगा 14, और फिर 7 से गुणा कर दें 14 से कितना आया 98 आया। सेम इसी में देखिए आप, अगर 16 प्लस 12 को ऐड कर दें, 16 प्लस 12 को अगर ऐड कर दें तो कितना आएगा 28 आएगा, फिर 2 से भाग कर दें कितना आएगा 14, और 14 को 7 से गुणा कर दें कितना आएगा 98, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर, ओके। अगला कह रहा कि इनमें से एक भिन्न है उसको चयन करना है, अब दूसरा तीसरा चौथा, इन तीनों में देखिए आप जो अंक हैं समान हैं, यानी कि 4 6, यानी कि आपस में फेर बदल तो हुए हैं लेकिन सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें सारे सेम है, इसमें सारे, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस है, इसमें 4 4 की 5 4 3 की 5 2 2, यानी अलग दे दिया, असम में सबकी राह में क्या है सेम सेम है, ओके तो डिफरेंस क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला कह रहा है कि शब्द को उसको क्रम में बदल दीजिए, यानी कि अल्फाबेट का ऑर्डर में उसको करना सेट करना है, तो सबसे पहले क्या है के के ओ के आ गया, ओ आएगा ए आएगा, ए आएगा पहले ए आएगा, ए के बाद क्या है आई, फिर एम है, फिर एम फिर एल, तो एम आई एम एल, तो क्या सबसे पहला आएगा, उसके बाद यम आएगा, यम आएगा या एल आएगा या एम आएगा, एम के पहले क्या आएगा एल आएगा, यानी कि 1 4 क्या हुआ 1 4। नेक्स्ट 1 4 हो गया, फिर एम ए,
फिर क्या है ई आएगा यानी 1 4 2 फिर 3 फिर 5 यानी कि 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 6 भी है क्या 1 4 2 3 1 4 2 3 फिर 5 में देखिए क्या होगा 5 में क्या के ओ के ओ फिर एस है फिर एस है फिर इधर क्या आ गया इधर एस आ गया इधर टी आ गया यानी कि एस जो टी से पहले आएगा तो 1 4 2 3 फिर क्या 6 5 आएगा यानी कि 1 4 2 3 6 5 यानी ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट आंसर क्योंकि एस जो है टी से पहले आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें अगर आकृति मोड़ी जाएगी तो कौन सा फिगर कंप्लीट होगा। जब इस फोल्डर को जब इस साइड में कंप्लीट करेंगे तो ये जो है सर्किल इतना सारा कवर होगा, ये जो क्रॉस है ये इस साइड में आएगा यानी कि एक यहाँ जीरो बनेगा एक यहाँ जीरो बनेगा। ओके जब सेम पूरा जाएगा तो ये सर्किल यहाँ से क्या हो जाएगा सर्किल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब जब दोबारा इसको ऐसे पलटा जाएगा ऐसे मूव किया जाएगा तो सर्किल क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके फिर ये जो है एक यहाँ बनेगा यहाँ बनेगा फिर एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा ऐसा फिगर किसमें दिख रहा है पूरा सर्किल बन रहा हो और दो दो इस टाइप से ऐसे 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 यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये क्या बन रहा है नहीं ये नहीं बन रहा ये बिल्कुल नहीं ये यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब कह रहा है कि ब्रथ जो है इंजीनियरिंग को दर्शाता है ये जो ब्रथ है ई फॉर इंजीनियरिंग। ओके ब्रथ जो इंजीनियरिंग दर्शाता है त्रिभुज कंप्यूटर विशेषज्ञ त्रिभुज हो गया मतलब कंप्यूटर विशेषज्ञ हो गया। ओके फिर आयत एम बी ए आयत जो है आयत ये हुआ एक ये हुआ एम बी ए हो गया आयत एम बी ए हो गया। ओके अब कह रहा है कि पंचभुज महिलाएं होगी पंचभुज ये हो गया ये हमारी महिलाएं होंगी महिलाएं मतलब यम आकृत में सारे हो गए आकृत में दी गई हैं संख्या विशेषज्ञ श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है कह रहा है कि महिलाओं को दर्शाता है तो आकृत में दी गई संख्या विशेषज्ञ श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है यानी कि व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है। देखिए विशेषज्ञ हैं यानी कि विशेषज्ञ हैं विशेषज्ञ कौन है कह रहा है कि कंप्यूटर विशेषज्ञ कंप्यूटर मतलब सी से क्या कंप्यूटर कंप्यूटर विशेषज्ञ लेकिन इंजीनियर नहीं है एक त्रिभुज का ऐसा पार जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हो लेकिन इंजीनियर ना हो। तो देखिए आप हमारा इंजीनियरिंग वाला पार्ट इतना सारा आ रहा है इतना ये चीज है ना तो कह रहा कंप्यूटर हो यानी कि ये वाला त्रिभुज कौन से इसमें आएंगे एक 24 आएगा एक 11 आएगा कह रहा केवल इंजीनियरिंग ना हो तो इंजीनियरिंग को हटा देंगे तो क्या त्रिभुज के अंदर क्या आएगा बचेगा 24 बचेगा और 11 बचेगा 24 और 11 कितना हुआ 4 1 5 3 कितना आया 35 आया कितना 35 आया। और यह कह रहा कि विशेषज्ञ हो लेकिन इंजीनियर नहीं हो ओके यानी कि 24 नहीं आएगा केवल 11 आएगा ये 24 तो नहीं आएगा केवल सिंगल 11 आएगा यानी ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर क्या आएगा सिंगल 11 आएगा ये देखिए एमबीए होगा उसको माना नहीं गया केवल इंजीनियरिंग को मना किया तो कंप्यूटर विशेष क्या हो गया 11 हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर के ओ एन के आर एफ डब्ल्यू के रिश्ते यानी आर से कहाँ ओ गया है आर 18 ओ 15 यानी कि माइनस का 3 फिर ओ से माइनस का 4 फिर के से एफ माइनस का 5 फिर क्या होगा माइनस 6 होगा जब माइनस 6 होगा तो क्या आएगा जेड आएगा क्या आएगा जेड आएगा। ओके के से एन प्लस का 3 एन से आर प्लस का 4 और आर से डब्लू प्लस का 5 और डब्लू से क्या होगा प्लस का 6 होगा तो डब्लू आता है 23 पे और प्लस का 6 कितना हुआ 29 हुआ 28 ना हुआ कितना हुआ 29 हुआ तो 29 किसका हुआ सी का हुआ यानी ऑप्शन नंबर डी जेड सी क्योंकि 26 पे तो आता है जेड 26 पे आता है जेड 27 पे आएगा ए 28 पे आएगा बी 29 पे क्या आएगा सी आएगा यानी कि जेड सी। नेक्स्ट चलिए आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत।